क्या आप भी अपने स्ट्रेच मार्क से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हो? क्या आपके भी वेट लॉस हो चुका है लेकिन आपके बॉडी में इतना ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ चुका है जो कि रिमूव होने का नाम ही नहीं ले रहा है? तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो में आए हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो उसे परमानेंटली कैसे क्योर किया जाए, और अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स अभी तक नहीं हुआ है आपके वेट लॉस जर्नी में तो वो कभी भी ना हो, ऐसे क्या टिप्स ट्राई करें। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपका परमानेंटली स्ट्रेच मार्क रिमूव कैसा हो, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके भी स्ट्रेच मार्क्स हो रखे हैं और जिनके भी स्ट्रेच मार्क नहीं हुए हैं उन सभी लोगों के लिए। इस वीडियो का टारगेट 200 लाइक्स है जो कि आप पूरा तो कर ही दोगे, तो कीप वॉचिंग गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियो, ताकि मैं ऐसे मजेदार वीडियो लेते आओ और आपको अच्छे अच्छे नॉलेज से अवेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉक अबाउट स्ट्रेच मार्क, स्ट्रेच मार्क एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे होता है? तो जब भी हम सडनली बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस करते हैं या फिर वेट गेन करते हैं या फिर कोई भी वर्कआउट करते हैं बिना वार्म अप या बिना स्ट्रेचिंग किए हुए, तो हमारे बॉडी का जो अपर लेयर ऑफ द स्किन है वो बहुत ही पतला होता है, तो वो स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने की वजह से उसमें लाइनिंग आ जाती है हमारे बॉडी में, उस लाइनिंग को ही हम लोग स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। ये बहुत कॉमनली पाया गया है प्रेग्नेंट वुमेंस में, जब उनका डिलीवरी होता है, आफ्टर डिलीवरी उनके बॉडी में, उसके टमी एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। तो ये रीज़न था स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है और क्यों होता है। अब जानते हैं कि उसका रेमेडी क्या है, उसे हम लोग कैसे ठीक करते हैं, तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द परमानेंट क्योर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, तो फैक्ट यही है गाइज, और बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग लगेगा आप लोगों को सुनने में भी और मुझे बोलने में भी, कि आप परमानेंटली तो स्ट्रेच मार्क रिमूव नहीं कर सकते हो। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी लोग आके आपको क्लेम करता है कि आप ये चीज़ ट्राई करो इतने दिन तक तो आपका स्ट्रेच मार्क परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, फैक्ट बताना चाहूँगी कि आप परमानेंटली तो उसे रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने स्ट्रेच मार्क को इतना ज़्यादा लाइटन कर सकते हो कि वो कभी भी विजिबल ना होगा। एग्जैक्टली अगर मेरा बात किया जाए तो आप देख सकते हो आपके मेरे ये हाथ में यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हुआ करता था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लाइटेंड हो गया है। मैंने ऐसे क्या क्योर ट्राई किया है वो मैं आप लोग को अभी बताने वाली हूँ। हमारा सबसे पहला क्योर है डू वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग बिफोर यू वर्कआउट। जब मैं अपने इनिशियल स्टेज में थी तो मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं डायरेक्ट वर्कआउट करने लगती थी, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स में स्ट्रेच मार्क्स आ गए। लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ आया गाइस, इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ, कोई भी वर्कआउट करने से पहले आप अच्छे से वार्म अप या फिर स्ट्रेचिंग कर लो। इससे क्या होता है, जब आपको बॉडी रिलैक्स मोड में होता है और अचानक से एक्टिव मोड में आ जाता है तो वो आपके बॉडी के लिए गलत है। जब आप अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हो, बहुत अच्छे से वार्म अप कर लेते हो, तो आपका मसल एक्टिव हो जाता है और रेडी हो जाता है वर्कआउट के लिए। इसलिए कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करो, इससे आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे और कभी भी नहीं आएंगे। हमारा दूसरा क्योर है गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू योर बॉडी। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि रिच इन प्रोटीन फूड खाओ, रिच इन मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी रिच फूड खाओ। इससे होता क्या, आपके बॉडी का स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को टाइटनिंग करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स है तो उसको भी रिमूव करने में नहीं तो लाइटनिंग करने में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैं भी ऐसे प्रोटीन रिच फूड खाई, अच्छा न्यूट्रिशन लिया अपने बॉडी में, तब जाके मेरा जो ये स्ट्रेच मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा लाइटनेंड हो गया। हमारा तीसरा क्योर है टेक इट स्लो। हाँ, आप कोई भी ऐसा वीडियो देखते हो जिसमें क्लेम किया जाता है कि 10 दिन में 10 केजी वेट लॉस करो, 20 दिन में 50 केजी वेट लॉस करो, वो सब वीडियो बिल्कुल ट्राई मत करो गाइस, क्योंकि अचानक ड्रास्टिकली आप इतना ज्यादा वेट लॉस करोगे तो ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इनफैक्ट आप भले 10 केजी 10 दिन में वेट लॉस कर लोगे एक रोटी दिन भर खा के और बहुत ज्यादा कार्डियो करके, लेकिन इसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको जो स्किन है वो लूज हो जाएगा, आपको चर्बी जो है वो लटकने लग सकता है, आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे और आप खुद भी फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाओगे। तो ये सब आपको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। आप मंथ में अगर 4 to 5 kg लूज कर रहे हैं अच्छा न्यूट्रिशन लेके, तो वो आपके लिए बेस्ट है गाइस, वो ग्रेट है। क्योंकि मैं भी जब अपना वेट लॉस किया था तो मैंने 3 मंथ में 14 kg वेट लॉस किया, मंथली मैंने 4 to 5 kg लॉस किया पर मंथ, जो बहुत अच्छे और हेल्दी वे में किया। आपको भी वो चीज खुद से करना है, क्योंकि आप ये चीज सुने ही होंगे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमारा जो फोर्थ क्योर है वो एक देसी नुस्खा
है मेरी खुद की मम्मी का जो मैंने अप्लाई किया और अपने स्ट्रेच मार्क्स को लाइट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। आपको क्या करना है, कटोरी में नारियल तेल ले लेना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा चीनी डालना है, उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को अपने जहां आपको स्ट्रेच मार्क्स है वहां पर अप्लाई करना है और 5 मिनट्स तक रखना है। फिर एक ठंडे पानी से वहां का एरिया को धो लेना है। इस चीज को आपको 1 मंथ तक ट्राई करना है, आपको डेफिनेटली दिखने को मिलेगा कि आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा लाइट हो गया और नॉन विजिबल हो गया है। तो ये चीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आप लोग ये चीज जरूर ट्राई करो। तो विद दिस गाइस हम लोग एंड करते हैं अपना वीडियो और आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है कि मेरे खुद का वेबसाइट लॉन्च होने वाला है जिसके साथ मैं बहुत सारे गिव अवे लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए ताकि मैं वहां डेली अपडेट्स आप लोगों को देते रहती हूँ, आप लोगों को डेली नॉलेज मिलते रहे। और जल्दी से ऐसे सपोर्ट कीजिए गाइस, स्टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी।